आप कौन? मुझे निर्वा जी ने भेजा है, उन्होंने कहा यहाँ आज होली है कि मैं यहाँ चली आई। ओहो, तो रउआ लड़का देखे अलवोनी का? नहीं, ये निरउआ लड़का चाहत के हमार घर बसे, अपने पता न कहाँ कहाँ घूम रहल बाड़न, मटरगस्ती कर रहल बाड़न, कहाँ दुबई, कहाँ मॉरीशस, कहाँ लंदन, लेकिन तबो हमार माथा पर नहीं की लागत ब्याह के चंदन। पता न कब आई हमारा घरे डोली और कब मनी हमार होली। वैसे है मैडम, एक बात बोले। बोलो। रुआ देखो मनो, एकदम ताजा पानी, आम नहीं मस्त मजा पानी। और तुम क्या बैंड बाजा हो? सुनो ना, हमारे को मदद कर सके लू? हाँ बोलिए। हम मंच पर ना, ई मंच पर जहाँ खड़ा बनी, ई मंच का संभाले का हमारा का जिम्मेदारी मिलल बा। दूल्हा हाँ लेकिन दुल्हन नहीं है, इसलिए मंच एकदम कुंवारी है। मगर निरुआ जी ने तो कहा था कि मंच का संचालन बताशा नाम का एक बहुत ही मस्त और हैंडसम लड़का करने वाला है, जो बड़ी जबरदस्त होली खेलता है। और वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम होली है, और जो लड़का मेरे साथ मस्त होली खेलेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। भैया तो मस्त और हैंडसम बताशा हम ही तो हई। देखो, ध्यान से देखो, शादी से पहले हम अपना टोपी पर का लिख ले बनी? हमरा मेहरारू चाही। ओ माय गॉड, एक मिनट। इतने प्यार से तो मुझे किसी ने कलर नहीं लगाया, आप तो सचमुच बहुत रंगीन इंसान हैं। अरे तो सुना है मैडम जी, रंगीन तो हमारा पूरा खानदान है, हम हुई आगे आने वाला खानदान रंगीन हुई, हमारा रंग में रंग जा। ठीक है चलिए। हो तभी गंगा के दर्शक लोग के बताशा चाचा और मधु शर्मा की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत कर रहा हूँ सबके भोजपुरिया खाड़ी की संगीत के सबसे बड़का महासंग्राम में, जेकर नाम है बिरहा मुकाबला। होली है। तीसरा दौर के मुकाबला शुरू हो चुकल बा, जेकर पहला हफ्ता यानी पिछला दो एपिसोड में ज्ञानी यादव, सरोज सरगम, पंकज पुजारी और मीनाक्षी राज के बीच जोरदार मुकाबला देखे के मिलल हो। ज्ञानी यादव और सरोज सरगम अपन जीत के साथ आगे निकल गए और दो लोग बाहर भी हो गए, सिर्फ 10 लोग ही मुकाबला में रह गए बड़न, जिनका बीच अगला दो हफ्ता तक तीसरा दौर के मुकाबला। ओके। जिसके बाद इस दंगल में सिर्फ 6 लोग ही रह जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के मुकाबले की शुरुआत। हाँ तो जोरदार ताली से स्वागत करें बिरहा के ऊ हस्ती के जे देवे वाला बॉर्डर हिंदुस्तान के बिरहा के सरताज के ताज, और उनका नाम बा बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया। जोरदार ताली भैया। अब मधु जी, हाँ जी, साथ में ताली वो खत्म हो गए चाहिए। चुनौती गृह में और प्रतीक्षा गृह में बैठल 10 वीरांगना और वीर की भी। चुनौती गृह में आज रजनीगंधा, देवालाल यादव, बुल्लू मस्ताना और सपना सरोवर जैसे 4 महावीर वर्णन जे गायकी के दंगल में अपना जैसे पहलवान लोग के धूल चटा के यहाँ तक पहुँचन बड़ो। यानी अब जो मुकाबला होगा वहाँ हर महारथी का सामना अपने जैसे धुरंधर से होगा, और जहाँ धुरंधर होते हैं वहाँ मुकाबला भी जबरदस्त होता है। बिल्कुल, आज रजनीगंधा और देवालाल यादव के बीच मुकाबला होगी और कल बुल्लू मस्ताना और सपना सरोवर के बीच। दोनों दिन के मुकाबला के बाद सबसे ज्यादा अंक के साथ दो लोग चौथा दौर में प्रवेश कर जाएंगे, और जिन दो लोगों को मिलेंगे सबसे कम अंक वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अंक पाने वाले को मिलेगी जीत की पगड़ी। हाँ तो आज के मुकाबला के शुरू करने से पहले बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया
और विरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया, आप लोगों के थोड़ी राय हमनी जानल चाहब। हाँ मधु जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आप बताई, दोनों जन में से ककरा से पूछा जाता नहीं? विजय लाल जी से। आज ये मंच पर बताशा जी आपके और मधु जी के देख के ऐसा लगा था कि और पगड़ी एक मंगवावे की पड़ी। हमारे तो भाग्य खुल गए भैया, सपना में देखत रहनी है मधु जी के, आज बगले देखत नहीं। तो ये जन कलाकार लोग चारों जन बैठल बा जी भैया, अपने आप में बहुत सुंदर कलाकार हैं, बहुत उम्मीद बा ये लोग से। हमनी के तरफ से हार्दिक शुभकामना बा के होली का मौसम चारों तरफ एकदम अपन रंग बिखेर रहल बा। एमे आके मंच के इतना रंग में लोग रंग देस कि पूरा भोजपुरिया समाज एकदम होली 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 मय। क्या बात है, प्यार के रंग में ताज हम रंग जाए। देखिए एकदम पूरा लाल लाल लगत रही। बताशा भैया जना ता अब की तहार मामला फिट हो जाए। देखा पहले से बोलब ना कुछ, नजर लग जाला हमरे। तीन बार फेल हो गए, अब की बारी भगवान करे ना है। ये मधु जी के देखला से जना ता की तहार मामला फिट हो जाए। थैंक यू, हम चलब बिरहा गावे खाती तहरा ब्याह। अरे वाह, तो मजा आ जाए एकदम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। का? ये दूल्हा ऐसा है हाँ। कि अगर मैं इसको गले लगाऊंगी तो बीच में तो ये आ जाएगा पेट। हीरोइन पावे खाती जिम ज्वाइन करा, दोनों बेरा दौड़ 8 किलो वजन कम कर लेल बड़ा। ना ना, हम पेट वोट पचका लेब, रही बात हाइट के तो हम सीढ़ी ले लेब। चारू गवैया लोग अपना फनकार में माहिर बनन, होली के रंग में सबके रंग दे लोग, जे भी देखता बिग गंगा चैनल पर होली आज वाह वाह करे लागो, हमनियो के जा होली के रंग में रंगा जाई जा, इहे ई लोग से शुभकामना बा आ आशा हम करतन। मधु जी। हाँ जी। ई जो सपना सरोवर बिया बहुत अच्छी गायिका है, लेकिन आज एकर तबीयत ठीक नहीं की लग रहा है उनको देख। हाँ, ई बुखार हो, जुखाम हो, और एकरे बादो ई बिरहा मुकाबला में आके गावे खातिर खड़ी गया, ये बड़ी बात हो। बहुत बड़ी बात है, ये इस मंच का जादू है, बिरहा का जादू है कि अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ आई है। जोरदार तालियां। जोरदार ताली। आप देख रहे हैं खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़ा दंगल बिरहा मुकाबला। होली है, होली हर जगह अपन अपन अंदाज से मनावल जाला, लेकिन जवन होली गांव में होला ओकर कौनो जवाब नहीं थे। होली के दिन लड़का बच्चा बुढ़वा जवान सब एक रंग में रंग जालन, झुंड बना के ढोलक झांझ मजीरा के साथ जगीरा गाते हुए पूरा गांव मोहल्ला में घूलन सन। लेकिन जवन मजा भौजाई के लगावे में आवेला भैया, ओकर तो मजा ही कुछ और बा। भैया आज के दिन देवर न भाभी के रंग लगावल भुला ली, न भाभी देवर के रंग लगावल भुला ली। होली का दिन सिर्फ देवर भाभी के लिए ही नहीं, जीजा साली के लिए भी बहुत खास होता है। होली के दिन जीजा लोग खास तौर पर ससुराल आते हैं ताकि वो अपने साली के साथ होली खेल सके। वाह 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 वाह। और तो और हर घर में जाके पुआ पकवान खालन दबा के। अगर पकवान की बात करें तो मनोज जी, होली के दिन हर घर में पूरी, कचौरी, मालपुआ, गुलाब जामुन, कई बड़ा, गुजिया, हलवा और कटहल की सब्जी तो खास तौर पे बनाई जाती है। पकवानों की खुशबू से पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। मुंह में पानी आ गया भैया। ए मैडम, इधर मैदान सफर चट है, तनकी पे हम रंग लगा के प्यार दे देती तो मजा आ जाए। लगा लीजिए। हाँ? लगा लीजिए भैया। मधु जी। हाँ जी। आज ही नया देखे के मिला था, रोज तो चूंटी कटवा के चेक कर, आज खाली छू के चेक कर। जाना ला भैया। हाँ? हम तो बहुत भोजपुरी फिल्म देखे लेनु, हमार विश्वास नहीं के पड़ा था, हमारे लिए तो मतलब सबसे सुंदर हीरोइन है वाणी, कांपो था हाथ के हम छुओ में डर लगा था हमारे। लेकिन फिर भी रंग लगाने से बाज नहीं आ रहे, पर जब मौका मिलता है लगा देते हैं। बड़ी बड़ी हिम्मत करनी। और रंग लगाने का तरीका देखा, लोग नॉर्मली वहां से उठा के लगाते हैं या कहां से, ये तो अपने गालों का रंग लेते हैं और मुझे लगा देते हैं। तो मधु जी, अरे वो बुरा तना लगा रहा हूं।
बिल्कुल नहीं, होली के दिन कोई बुरा नहीं मानता, कहते हैं ना बुरा मत मानो होली है। तो लीजिए मैं भी थोड़ा सा रंग लगा देती हूँ आपको। सब ठीक है ना? भगवान अगर सपना तोड़ला तो हमसे बुरा क्यों हो ही ना बता देते। माफ ना करतो के अब क्यों हमार शादी ना हो गई वाह लागत होगी IAS PCS के एग्जाम हो गए। बता सब यार। हाँ। तोरो शादी राजा जनक के धनुष से कम नहीं के भाई। लागत ही है। तो भैया आज के एपिसोड में रजनीगंधा और देवालाल एक दूसरा के सामने बढ़न। सबसे पहले मधु जी हम जानना चाहते रहे हाँ कि दोनों ने आमने सामने बढ़न, तो विजय भैया बता दे कि सबसे पहले केकरा के यहाँ बोल रही है। हनु हाँ जी। इतना मदमस्त महीना बा कि देवता लोग भी रंग में रंगा जाला। हाँ। बसिया बाज रही बिंद्रावन टूटल श्री शंकर का ध्यान। जब देवता लोग का ध्यान टूट जाला ये मदमस्त महीना में तो देवेलाल के प्रस्तुत कर दिया जा। देवालाल यादव जी के लिए जोरदार तालियां। देवालाल जी। जी बोली। हाँ देखे तरह जे तरह बगल एक खड़ा बा। देखो तो बानी बाकी फिर कोनो गड़बड़ मत करी। जे रोज खर्रा मारत हो खो ओकरे सामने अंग्रेजी शराब आ जाए तो होश में रही। हाँ जब हम सपना रोज देखते रहनी टीवी पे देखते रहनी हाँ आज ओके सामने देखते रहनी ऐसे पगलाइल बानी हमार देखो था जबान जबान साथ ना दे तो। बाबू बहुत बढ़िया भाग्यशाली वाला का मधु जी तहरा के आवाज़ दे के बोलोली ना आज इनके इम्प्रेस करे खातिन और सबके इम्प्रेस करे खातिन गावा ऐसा गाना कि हंगामा मच जाओ। ललकार दे जोरदार ताली के साथ। मधु जी चलिए रहुआ कुछ मालपुआ हुआ खिला दी। चलिए आए आए इधर चलते। ए भाई लोग अरे अशोक का फागुन में नया नया नियम निकल बा कुछ पता बा कि ना? ना भैया नहीं खे मालूम तो ला हम बतावा तनी बतावा चुमा चुमाउल गल मिसाउल असो के होली में महना बा चुमा चुमाउल गल मिसाउल चुमा चुमाउल गल मिसाउल असो के होली में महना बा अरे असो के होली में महना बा 2017 में ऊ नाही बची लवंडा पजे जदीवा तोहरो के बता दी। देखो असो होली में बड़ा सतर्क रहे के बाद जे तोहरे कॉन्टेक्ट का होई ओकरो के समझा दिया का अरे केहू ना केहू के जबरी लगाई लहावे के चाहिए और ढेर एडवांस का चक्कर में के ऊपर ही तो घाटा भी हो सकता। ऐसे हमार संदेश हो और हमारे प्यारे लाल गुरु जी भी अपनी ओर से ही संदेश दे हम ये गाना के माध्यम से कैसे खाल खिया लो बने तो बना लो
से तन की छुआ लो एक बात और जानत हो लोग नहीं खा जानत तो हम बताओ तनी साली चाहे घर वाली उहो के डाले के नहीं दाना बा बड़ा कराने बगर जी साली होके घर वाली चाहे नहीं डाले के कमहू दाना बा अरे डाले के नहीं दाना बा 2017 में हो होली हो और होली में बड़ा संभर के रह के बात ऐसे कि नया नियम बात उनको चुकवा लोग तो कौन सजा भुगते के परी क्यों ना क्यों के पता नहीं खे ऐसे हम सावधान करता नहीं भले ही तू रंग गुलाल उड़ाई हो जाइन खाती हो अरे सौदा बनवलू ना लागल बाजार मंगनी न देबू तो का करबू ओहो जब से चढ़ल बाटे फागुन महीना देहिया से टप टप चूहे पसीना जब से चढ़ल बाटे फागुन महीना बता सा चाचा तुहार कुल जोगाड़ फेल होख जात बा लेकिन हमार शुभकामना बा ए बिग गंगा चैनल में बिरहा मुकाबला की ओर से कि आज होली का रंग में रंगा जा तू हूँ और सम्मत गोसाई जरूर तुहार मनोकामना पूरा करी हूँ ई जौन आइटम आइल बा तोहरे बदे रिजल्ट पक्का तुहार रही हे बाबू सुनो हे भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत हीरोइन बनी आज बोले के ना हो कहो हो क्या बात है यही बात पर कहल गई अरे जब से चढ़ल बाटे फागुन महीना से टप टप चूहे पसीना
दिनवा में हो लिख दादी। अरे कुछ नहीं करी है होली में भाता रमनी नो देव, नहीं करी है होली में भाता। अरे मंगनी ना देबू तो कहाँ करबू, बोला मंगनी ना देबू तो कहाँ करबू। दुनिया जाए का समापन कैसे होला। अरे सौदा बनवलू ना लागल बाजार, मंगनी ना देबू तो कहाँ करबू। जब से चढ़ल बाटे फागुन महीना, दहिया से टपटप चूहे पसीना, बिगड़ जाई पूछी ना कुकरो बिलार, मंगनी ना देबू तो का करबू। अब दुनिया जा दूसरा लाइन में। एगो फौजी का पत्नी अपने फौजी से यहाँ से कहत बा कि राजा जी फागुन में सबकर दुल्हा मन से दू घरे आ गई लन, लेकिन रउआ वहाँ ड्यूटी पर हैं। आ जाए ना, आ जाती तो बहुत बढ़िया रहत। तो वो फौजी जवान समझावत बा अपने मेहरारू के कि देख जाना तनी कि होली में हमारा बिना तुहार मन ना लगी, तहरा बिना हमार मन ना लगी, लेकिन हमार तनी बतिया के समझ है। का कहे समझावता खतरा में बड़ी भारत माई बैरी, कईले चढ़ाई धानिया। के फागुन ले बू देवारे के संग ही बिताई रानिया। और समझावता रानी होली आई फिर तो हर सुसु की रोवाई मर करे जा दे लची। फागुन लिहा देवारे के संग ही बिताई रानिया।
और बतावता फौजी जवान कि तोहर देवर देवालाल दीहे रंगिया गुलाल होई छोटे छोटे बच्चवन के रखी हखिया जतरा बनाई रानिया आयो सोके फागुन ले बुदेवारे के सुनाई बिताई रानिया सोके फागुन ले बुदेवारे के सुनाई बिताई रानिया नवे पे हमसे बतियाई ले बु मनावा मनाई रनिया गजब गजब। मुझे लगा था जब इनको देखा था कि इतना ठीक है, पर्सनालिटी इतनी कुछ खास नहीं थी, बट जब गाया तो उन्होंने मतलब मेरी नजर ही नहीं हट रही थी इनके ऊपर। क्या बात है, जोरदार ताली भैया। हमारे दोनों सुल्तान और बादशाह भैया, हम जानल चाहब सबसे पहले ओम प्रकाश भैया से कि रउआ कैसे लागल है उनका गायकी। बहुत सुंदर गौलहन, लयदार गवैया बनन, अभी दाव तो अपन मार दिहलन। अभी देखल जाओ कि रजनीगंधा कौन इनका दाव के काट कर तड़ी, तब पता चली। हमार शुभकामना बा इनका संग। वाह मधु जी। हाँ जी। ओम प्रकाश भैया तो अपन राय व्यक्त कर दलन। हाँ जी। अब हमनी एक बार विजयलाल भैया से पूछ ले जाओ। हाँ जी भैया, बोली कुछ। गांव के खेत खलिहान से उठा के जो होली गीत हमनी का पूर्वज लोग गावेला, वो रंग में उस साज तमाम साज बजेला हर म्यूजिक में, लेकिन ये गांव का असली ठाठ है, असली साज है। ए पर अपना जगह जगह से अपन अदा अपन कला भी दिखावत ले ले है, बढ़िया ढोले और मेहनत का जरूरत बा। खूब खूब हार्दिक शुभकामना। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। मनोज जी। हाँ। मुझे ना इनका एक वो स्टेप बहुत अच्छा लगा था, जो ये उछल उछल के टा टा कर रहे थे। अरे भैया करिए ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मधु जी का फरमाइश हो, एक करके दिखा दे बाबू। अरे चुमा चुमाउल गाल मिसाउल अशोक के होली में मानब, अरे अशोक के होली में मानब, 2017 में होई नो संबंधी कवंडा पजे। बाल देखते रहने बहुत सुंदर लागत है। बाल तो दूर से भी दिखते हैं, बाल नजदीक आके देख रहे हो। भैया मधु जी का काले घुंघराले बाल देख के लागत है कि जैसे काली घटा छा गए। अब यह डराई ला खाली कि काले घुंघराले बाल में कतो हमार दिल न उलझ जाओ। चाचा ममिला न गड़बड़ा, तू ज्यादा बोला मत, तुझे बोलो तो कुछ गड़बड़ा ला। तू बहुत बढ़िया गायक हो, फरमाइश हम जो हो हम से करे के चाहिए तो से करे तो नहीं। मधु जी तू प्रभावित कर ले, जा और बैठा बा। एक बात बताई। हाँ जी। हम बगलिया बैठल रहनी है, रउआ ध्यान हर जाते हमारे बगल हमारे पास नजर एक बात फेर दिया करी। आप पे ध्यान देने के लिए मेरी ध्यान नजरे इतना ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अच्छा। वो बेचारे पतले दुबले से इतने अच्छे से तो ध्यान फटक से चला जाता है। हाँ ये हो बात सही है बा। क्या विधाता हम को दुबरे पत्थर के लिए हो तो। भैया हम पानियों पी रहे थे 5 किलो वजन बढ़ जाला हमारे। हमारे गाँव में कुल हाँ 10-20 रोटी खाता हूँ, फिर भी सिंगल पसली का हूँ। अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी। दिल मत तोड़ी हा, हमार कुछ हो सकेला कि ना, तब हम मेहनत करी ना, महानगरी की टिकट कराए सीधे जाए, क्या करें। आप ना बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन हाँ। जो ये दहेज में लाए हो ना आप, इतना हाँ। बड़ा सा मटका हाँ। इसको थोड़ा कम कर लीजिए, फिर उसके बाद सोचेंगे देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो हो सकता है बात आगे बढ़ जाए आपकी। भैया वह जब सबको सारी हीरो जवाब देता नहीं, एक ही जवाब, एक मतलब एक कम करे बड़ी। अब एक बात हम बताए। हाँ खतरा लौकत
ऐसे खतरा लौका था। हाँ एक तो लाल पहले बाड़ी मधु जी, लाल देख के मैसे भड़कीला। जब जब लाल देख के भड़कल हुआ हाँ, तब तब ई लोग खुदे भड़क के चल गए। उम्रकांत भैया रउआ बताए कि अब केका बुलावल जाओ, तनी सुगंध सुंघल जाओ रजनीगंधा के। हाँ तो तू बुझक्कड़ हुआ, अब इतना बतावे के मधु जी। हाँ जी तो भैया जब कदन को सुगंध सूंघे के बाद तो रजनीगंधा जी को बुला लिया, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रजनीगंधा जी का। आइए रजनीगंधा जी, आइए रजनीगंधा जी। नाम के रखले रह तुहार माई की बाबू? बाबू माई मिल के। अच्छा हमको लगे तो माई रखले हुई रजनी और बाबू रखले हुए गंधा। रजनीगंधा ऐसा गाना गावा जैसे रजनीगंधा पूरे गांव में रात में सबके सुगंधित कर दे ले, वैसे आज सबके सुगंधित कर दे, ठीक बा? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई मैडम काहे भाई ला काठो कि काहे भाई ला काठो होली गंगा चैनल पर आप लोगन भी ये प्रोग्राम देखत बानी। ये फागुन के ऐसा मस्त महीना है कि सब कुछ बर्दाश्त हो जाला, लेकिन जब पति परदेश में रहेलन ये ना बर्दाश्त होला। खाना कम रही, एक रोटी कम रही वो चल जाई, नया साड़ी ना रही पुराने रही वहू पर काम निकल जी। अरे जब वहाँ के नहीं थी तो कैसे काम निकली? तो दुल्ही बतावत है से जी यहाँ पे दरा दिया
जीना बात करब नाराजी के कारण आप लोगन भी जानन चाहत थी। अरे बता दा भैया। अच्छा ये धरती पर भाई लोगन तोने लोगन बतावा कौन ऐसन मरद होई कि जोन ऐसन मेहरारू छोड़ के आ जाके प्रदेश में नौकरी करी। अच्छा तो ठीक बा, जब वहां के आइए गेल बानी तो स्वागत बा। का नाम बा? का बता सा चाचा? तो ही बतावा तू कितना परेशान हुआ। अरे बतासा कहा खाली, चाचा मत कहो। हम ही थोड़ो ना चाचा कहिला, जितना भी हीरोइन है सब तो चाचा कह के निकल गई। लेकिन आपे बताई कि ई समय यहाँ छोड़ के जाए वाला? बिल्कुल ना, ई मरद बढ़न के एकदम घचा के बढ़न। सुनी बताओ तनी। मनवा के मिता गीता गावत चली गई ले, लेकिन मास्टर तनी दू लाइन। जवन गांव देहात में होली के शुरुआत जब फागु के फगुआ के शुरुआत होला, तो शुरुआती में महसूस आदमी करेलन कैसा रंग के शुरुआत होला मास्टर? आय हाय देखा है देवालाल, बड़ा कब्बे से छौकत रहा हुआ। सुना 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 बताइला। हमारे नाम रजनीगंधा, कबे से मार छौकत हुआ ना? सुना सुना। देखा जुलमी फगुनावा आ गई ले, सुना बुढ़ावा जवान बौरा आ गई। डाली
चढ़ल फगुनवा के पानी बात कह देख जेकर नहीं खन सैया वो पर कैसे बीती होली उनके सहाय नहीं के हो के बोली कसाई हो गिल बा वो कहत है का अरे होलिया में टूट गोइल खटिया अरे होलिया में टूट गोइल खटिया
सुनो देवालाल के बारे में तू शब्द कही का एक नहा हो रजनीगंधा उठा के रगड़ दे हो जाए ठंडा। रजनीगंधा जी के लिए जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। अब अपन सुल्तान और बादशाह भैया से जानल चाहब कि रजनीगंधा का गायकी उनका कैसन लागल। रजनी तो ऐसन गवली है जौन डांस कैली जब इनका डांड लपकत रहल। जना तो की नागिन चलती है बड़ा सुंदर गायकी भइल डांस भइल लेकिन सीढ़ी बहुत बा चढ़े के बस जैसे हम सीढ़ी भी चढ़त हैं। मेहनत करे के पड़ी बाबू लेकिन बहुत बहुत हमार शुभकामना बा। वाह मधु जी। हाँ जी ओम प्रकाश भैया तो अपन राय व्यक्त कर दलन। हाँ जी अब हमारे बिरहा के सुल्तान जी विजय लाल यादव जी बताएंगे। क्या बात है आइल तूफान मेल गड़िया हो 3:30 बजे रहती लागत रलक एक मजल कलाकार गायकी भी बड़ा सुंदर एक चक्कर डांस में जस साहब रुवा ख्याल के लोग कमर मार के जो एक राउंड लगौली है एकदम होली का खाटी भरी लौकल है जैसे हमने कहा गोल में कोला बना जाला झलकुटन हलाव में लवंडा घूम जाला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बहुत है बिरहा हम पहले भैया सुनत ना रहनी कभी प्यारे लाल जी के जब संपर्क में नहीं हा तब बिरहा सुने सुनो गई नहीं। 5,000 गीत कंठस्थ याद इनका लिखल बारे कभी जी प्यारे लाल जी के लिए भी एक जोरदार ताली। जा बाबू बैठा अपनी जगह पे। बचपन में मन करता था कि जल्दी बड़े हो जाए और आज जब हो गए हैं तो फिर ऐसा लगता है कि फिर से बच्चे हो जाए। ऐसे मत कहा फिर हमार का हुई कहा से कि हम अगर बच्चा हो जाए ना तो एक बताशा ना 6-7 बताशा हो जाए। बचपन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बचपन में बड़ों के पैर छूने के बाद आशीर्वाद के साथ ढेर सारा पैसा मिलता था। बताशा क्या आपको भी बहुत सारे पैसे मिलते थे? अरे का बताई मधु जी हमारा देखो पैसे ना देते रहे। क्यों? पैसा के बदला में झोला भर के खाना पहुँचा देते रहे। ऐसे क्यों? अब का है ना मधु जी कि हम खाना बहुत खात रहनी भूख इतनी तेज लागे कि कच्चा पक्का जब नहीं मिले तो नहूर दिए। अगर तुम इतना खाते हो तो मैं बता दूं मुझे खाना बनाना नहीं आता। कौनो जरूरत नहीं खे। अरे तो हम खाना बना दे वैसे ही रोज रोज हम 10 आदमी का खाना बनाओ तो रहनी आजो बनाई ला। क्यों घर में 10 लोग रहते हैं क्या? ना? हम 10 आदमी से कम हो जितना 10 लोग रोटी खा लो तो अकेले मारिए धड़ा धड़। हमारे पेट देखा था नहीं एक रोटी तो कहाँ आटा चला है गटरिए तक समझ में नहीं आवत जब 10-12 छोड़ तब लागे ला कि अब कुछ गई है। इसीलिए तुम्हारा कमर इंच में नहीं स्क्वायर फीट में नापा जाता है। एक बात बताऊं हाँ। मुंबई में प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ गया है हाँ। अगर अपने पेट को स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचने लगो तो बहुत फ्लैट बन जाएंगे इस पाली हिल पर। ना ना तो पाली हिल फ्लैट ना बनी पाली हिल पे बनी बंगला और करवर देव गिफ्ट और हिले वाला रही का नाम है हिले वाला बंगला तो दर्शक लोग चुनौती गृह में मौजूद 4 महारथी के बीच आज रजनीगंधा और देवालाल के बीच मुकाबला देखे के मिलल हो लेकिन बुल्लू मस्ताना और सपना सरोवर के बिरहा के रंग देखल बाकी बा। हर एपिसोड के साथ मुकाबला के स्तर और महारथी लोग के चुनौती भी बढ़ल जाता सबके पाला अपना जैसन परम वीर से पड़ रहा बा मधु जी लेकिन हम अपन दोनों भैया हमार सुल्तान भैया और बादशाह भैया इनसे जानना चाहता नहीं मधु जी कि बिरहा गायकी से जो उम्मीद रहे
सब कहाँ ले खरा उतरल बाड़े, कहाँ तक ये संतुष्ट बाड़े, जरा भैया लोग बतावे। लेकिन सबसे पहले के बताई रहुए पूछो। आप हमेशा मुझे फंसा देते हो, उन दोनों में से चुनना कितना डिफिकल्ट है। ना, ना, ना। क्यों? हम फसाई ला ना उन्होंने लोगों ने रहुए मुंह से सुनल चाहा अमृता कि रहुए बोने। तो चलिए बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश जी से जानते हैं। अपन अपन प्रस्तुति दोनों जाना बहुत अच्छा कहले वालों। अब उहो जब दोनों जाना गा लीलो तब अब हमनी के बताइब जा के कितना खारा पानी में उतरल बाटे। लेकिन चारू जाना के हमार बहुत बहुत शुभकामना बा कि अपन अपन अच्छा से प्रस्तुति लोग करे। अब बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी से जानते हैं। स्वर का धार भी बा, फागुनी फुहार भी बा, अपना अपना जगह पर सबका ललकार भी बा, यही बिग गंगा के मंच पर आर पार भी बा। बहुत उम्मीद बा होली के अवसर पर ये लोग का प्रस्तुति जो कहल जाता इसे आम जनमानस में भी या हमनी के बड़ा उम्मीद बाकी लोग बहुत बढ़िया से गाई आ गाई लो ये उम्मीद। मधु जी। हाँ जी। काल के परफॉर्मेंस के बाद चार में से दो महारथी अगला पड़ाव में प्रवेश करी हैं और बाकी दो लोग मुकाबला से बाहर हो जी। यही से आज वक्त हो गई बा रउआ सबसे विदा लेवे के और रउआ के साथ बैठ के तनी खाना पीना भी खावे के। अगले एपिसोड में होली का ये हुड़दंग यूं ही जारी रहेगा, जहां बिरहा की तान पर उड़ेगा अबीर गलाल और हम कर दे मधु जी का गाल लाल लाल। तो देखो तो रही खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़ा महासंग्राम बिरहा मुकाबला होली है। चलते अंदर।